सत श्री अकाल स्काई न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं ते मैं आ तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा। अज पंजाब विधानसभा का स्पैशल इजलास बुलाया गया सीगा ते जिस नूं लैके कई तरह के जिहड़े सवाल ने उह पंजाब दीआं विरोधी धिरां ने भी खड़े कर दिते ने। सवाल यह खड़ा किया गया है कि आखिर इजलास जेकर विधानसभा का बुलाया गया तो फिर यह सिर्फ एक दिन का ही क्यों बुलाया गया? आखिर क्यों अज पंजाब विधानसभा दे विच लोकां दे मुद्दे क्यों नहीं चुकन दिते गए? क्यों विधानसभा दे इजलास नूं लैके जिस तरीके दे नाल कहा जा रहा सी कि मानसून का इजलास भी बुलाया जाएगा उस नूं बुलाउण दे उत्ते भी देरी कादी लग रही है? अज इस खास रिपोर्ट दे विच अज असीं तुहानूं इन्हां सारे ही सवालों का जवाब देवांगे। पंजाब विधानसभा का अज एक दिन का विशेष इजलास बुलाया गया। यह इजलास श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब को समर्पित सी। सदन की कार्रवाई विछड़िया रूहां ते शहीद किसानों नू श्रद्धांजलि देन दे नाल अज शुरू हुई, जिस तों बाद राजपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सदन नू संबोधित किया। लेकिन सरकार दे वल्लों बुलाए एक दिन ही स्पैशल इजलास नू लैके विरोधी धिरां ने भी सवाल चुके हैं। विरोधी धिरां ने सरकार तो 15 दिन का मानसून सैशन बुलाउण की मंग की है। उन्हां दा साफ तौर पर कहना है कि एक दिन ही इजलास बुलाउणा ते उस दे विच मुद्दियां नू ना शामिल करना पंजाब की जनता दे नाल धोखा है। संबोधित किया उस दे विच मुद्दियां दरअसल अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने 15 दिन का इजलास बुलाउण की मंग की है। अकाली विधायक अज हत्थां दे विच तख्तियां लैके विधानसभा पहुंचे। सरकार ते लोक पक्षी मुद्दियां तो भज्जन का गंभीर आरोप लाया है। विरोधी धिरां नूं सदन दे विच मुद्दे नहीं चुकन का भी समा दिता गया। पंजाब सरकार ते मुद्दियां तो भज्जन का आरोप है। सवाल चुके जा रहे हैं कि जेकर इजलास दे विच पंजाब दे लोकां दे मुद्दे नहीं चुके जाएंगे तो फिर यह इजलास किस काम का? क्योंकि विधानसभा दे विच लोकां वल्लों चुने जाते नुमाइंदे उन्हां दे मुद्दे चुकते हैं, लेकिन सरकार ने इस बार समा ही नहीं दिता। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मानसून सैशन 10 सितंबर तो बाद किसी वेले भी पंजाब सरकार बुला सकती है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर सरकार मानसून सैशन बुलाउण दे विच इन्नी देरी क्यों ला रही है? एक दिन का विशेष सदन बुलाउण दे नाल ही मानसून सैशन की भी शुरुआत की जा सकती सी, लेकिन सरकार ने आखिर अपना हाथ पिछे क्यों खिंच लिया? लेकिन विरोधी तिरतां सरकार दे बहुमत गवा देन दा भी मुद्दा चुक रहे हैं कि कांग्रेस दे विच कैप्टन खिलाफ उन्हां दे विधायकां ते मंत्रियां ने बगावत दा झंडा चुक्या होया है, तां फिर बेभरोसगी मता लियाउण दी तैयारी दे विच बैठे विरोधियां नूं एक दिन का इजलास बुला के उन्हां दीआं कोशिशां दे विच पानी फेर दिता गया।
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।